और बाकी गौड़िया वैष्णव किताबों का सामंजस्य या कहने का मतलब है कि चैतन्य मृता हमारे पास एक किताब है जो मैंने बताया जो हमारी लॉ बुक है गौड़िया वैष्णवों की श्री प्रभापाद ने भक्ति रसमृता सिंधु को भी लॉ बुक बोला है बट बट जहाँ तक महाप्रभु की फिलासफी डिपेंड कर दी है वो चैतन्य चरतम्रता किताब है मैं इस पर काफ़ी लेंथ पे डिस्कस कर चुका हूँ मगर और भी सारी किताबें आचार्यों ने गोस्वामियों ने नरोत्तम दास ठाकुर रूपा सनातन उन्होंने भी किताबें लिखी हैं तो अगर तो चैतन्य चरतम्रता और उन किताबों में क्या लिंक है ये मैं डिस्कस करना चाहता हूँ क्या चैतन्य चरित्रम्रता हम पढ़ेंगे तो क्या आ, क्या वो उन उन सारी किताबों का क्या स्टेटस है क्या हमें वो भी पढ़नी चाहिए चैतन्य चरित्रम्रता पढ़ना सफिशेंट है या चैतन्य चरितम्रता अगर हमने पढ़ ली तो वो किताबें हमें और अच्छी समझ आएंगी तो कनेक्शन क्या है चैतन्य चरितम्रता और बाकी गौड़िया वैष्णव किताबों में ओके सो वेल यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कृष्णदास कि कविराज गोस्वामी ने अपनी चैतन्य चरितम्रता में एक बहुत यूनिक बात काम किया है वृंदावदास ठाकुर ने अपनी चैतन्य भागवत खुद लिखी है खुद क्रिएट किए कवि कर्णपूर्ण दास ने अपना अ, 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 अपनी चैतन्य चंद्रा अमृत सॉरी चैतन्य चंद्रोदय नाटक या यह आपका चैतन्य चरित्र चैतन्य चरित्र अमृत कृष्ण चैतन्य चरित अमृत उसमें भी अ, अपनी कृतियाँ लिखी हैं सेल्फ मेड रूपा गोस्वामी ने अपनी किताबों में ललित माधव विदग्ध माधव स्तव माला में उनकी अपनी कृतियाँ हैं सनातन गोस्वामी भागवत अमृत बट कृष्णदास कविराज गोस्वामी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने आ, हमारे गोस्वामी की जितनी भी किताबें हैं उसको एक जगह लाने का प्रयास किया मतलब लोग लोग रूपा गोस्वामी किताबें पढ़ रहे थे सनातन गोस्वामी की फिर जीवा गोस्वामी की फिर उसके बाद आ, फॉर एग्ज़ाम्पल कवि कर्णपूर्ण दास की किताबें पढ़ रहे थे या मुरारी गुप्त फॉर एग्जाम्पल तो मुरारी गुप्त के चैतन्य चरित्र पढ़ रहे थे अलग अलग सोर्सेस थे लोगों के पास कई किताबें पढ़नी पड़ रही थी महाप्रभु के पूरे लीलाओं के बारे में और उनके सिद्धांत के बारे में जानने के लिए एक हो होलिस्टिक व्यू लेने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सोचा कि उन्होंने देखा कि ये तो बहुत कम्बर है बहुत 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 टायरिंग प्रोजेक्ट है इतनी सारी किताबें कैसे पढ़ेंगे और इतनी सारी किताबें पढ़ते भी थे मगर वो पढ़ के एक उसका कंक्लूजन निकालना वो बहुत मुश्किल है किसी भी व्यक्ति के लिए कृष्णास कबीरा स्वामी ने अपनी चैतन्य चरित्रम था मैं इन सारी किताबों को फ्यूज़ करने की कोशिश की सारी किताबों से उन्होंने रेफरेंसेज लिए और उसका सार निकाल के अमृत उसका सार निकाल के अपनी किताब में रख दिया तो चैतन्य चरित्रता पढ़ने के बाद हम गोस्वामियों की और आचार्यों की किताब और अच्छी तरह समझ पाएंगे बल्कि क्योंकि कृष्णा के स्वामी ने अपने चैतन्य चरित्रता में रेफरेंस देते जा रहे हैं जैसे 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 फॉर एग्जांपल तो आदि लीला का का पहले अध्याय से लेकर तेरहवें अध्याय जो मैं उस दिन डिस्कस रहा था फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन सॉरी तो पहले अध्याय से लेके बारहवें अध्याय तक आ, क्या चर्चा है मैंने बताया आदि लीला में क्या चर्चा है चैतन्य चर्चा में था कि पहले चौदह श्लोक जो हैं उनकी कमेंट्री है अब 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 पॉइंट ये कि वो ये मटेरियल कहाँ से लाए ये कहाँ से लेके आए स्वरूप दामोदर का कड़चा स्वरूप दामोदर जी ने जो अपने नोट्स लिखे थे उसके बेसिस पे ये चैतन्य चरित के पहले बारह अध्याय लिखे गए हैं मोस्टली रूपा गोस्वामी के भी श्लोक हैं अनार पिता चरम रूपा गोस्वामी का भी वहाँ पे श्लोक है बट मोस्टली तो हम ये देख सकते हैं कि आदि इलाके पहले अध्याय से बारहवें अध्याय तक स्वरूप दामोदर गोस्वामी का कड़चा ही मेन मेन उसका जो एक्स्ट्रैक्ट है ओके okay, उसके बाद उसके बाद आदि के आ, के बाकी चैप्टर्स 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16, 17 उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली उसकी इन्फॉर्मेशन मुरारीगुप जी के कृष्ण चैतन्य चरित्र से ली जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि मुरारीगुप जी ने महाप्रभु के चाइल्डहुड पास्ट टाइम्स बाले पास टाइम्स किशोर पास्ट टाइम्स बहुत डिटेल में डिस्कस किए हमने और वृंदावन दास ठाकुर का चैतन्य भागवत वहां से सारी इंफॉर्मेशन ली उन्होंने और उसमें कंपाइल करके लिखा और फिर उसके बाद आ, फिर उसके बाद मध्य लीला ऑलमोस्ट कंप्लीट मध्य लीला काफी पोर्शन मध्य लीला का काफी पोर्शन मध्य लीला का कवि कर्णपूर्ण दास की जो किताब है कृष्ण चैतन्य चरितमृत उस पर आधारित है काफी कुछ जो कि का विराज गोस्वामी की कंपोजिशन से पहले लिख दी गई थी अब तो चलो कृष्ण चैतन्य चरित्र अमृत के पहले तीन अध्याय अवेलेबल है माँ खो चुके हैं बीस अध्यायों में से मगर उससे उससे का विराज स्वामी ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की हुई है मधेलीला, लीला लीला मतलब चैतन्य चरित्र का महाप्रभु के संन्यास के बाद जो लीलाएँ हुई हैं और फिर उसके बाद आ, आ, मधे लीला में जो रूपा गोस्वामी शिक्षा है सनातन गोस्वामी शिक्षा है वो कृष्णा के स्वामी ने कहाँ से ली वो कृष्णा कविराज स्वामी ने डायरेक्ट रूपा गोस्वामी की शिक्षाओं में काफ़ी रूपा गोस्वामी के श्लोक को, कोट के भक्ति रचमदा सिंधु से उजमल लीला मणि से और इनफैक्ट सनातन गोस्वामी शिक्षा लघु भागवत अमृत बृहद भागवत अमृत वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली है कृष्णा कविराज गोस्वामी ने अपनी बुक में उसको उस उस सारी इंफॉर्मेशन को कंसाइज करके लिखने की कोशिश की और उनसे श्लोक कोट भी किए मैं डायरेक्ट श्लोक कोट क्यों हुए हैं और फिर इनफैक्ट भागवत संदर्भ जीवा गोस्वामी का जो उन्होंने फिलासफ़ी जो उन्होंने डिस्प्ले की है रूप शिक्षा सनातन शिक्षा वो सारी शिक्षाओं हैं जो आ, तो जो मध लीला का जो आ, जो लेटर पार्ट है जिसमें रूप सनातन शिक्षाएं और उसके बाद भी जो वो जो सारी जो पार्ट है ऑपुलेंस ऑफ स्वीटनेस स्वीटनेस ऑफ कृष्णा ऑपुलेंस ऑफ कृष्णा जो लेटर चैप्टर्स हैं सारा जीवा गोस्वामी का भागवत संदर्भ रूभा गोस्वामी का कनेक्टर ऑफ डिवोशन उज्जवल लीलामणि वृहद भ्रे, भागवत अमृत उसमें सारे कोटेशंस हैं तो वहाँ से उन्होंने लेने की कोशिश की और फिर उसके बाद आ, फिर उसके बाद अंतलीला अंतलीला का चैप्टर वन एग्जैक्टली exactly रूपा गोस्वामी के ललित माधव विदग्ध माधव से इन्फॉर्मेशन इनफैक्ट चैप्टर वन का नाम ही है कि रूपा गोस्वामी वहाँ पर उसे मिले मीटिंग उसमें रूपा गोस्वामी के विदग्ध माधव ललित माधव से श्लोक कोट कर रहे हैं तो वो इंक्लूड करने की कोशिश की अंत लीला आ, के दूसरे अध्याय से लेकर चौदहवें अध्याय तक कृष्णा केवर स्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी और सरू दामोदर के कर्चा रघुनाथ गोस्वामी की स्तवावली से श्लोक लोग ने लेने की कोशिश की और अंत्यलीला के आखिरी चैप्टर जिसमें महाप्रभु के एक्सटेसी महाप्रभु के सेपरेशन विरह के बारे में चर्चा है जो अंत्यलीला का पंद्रहवें अध्याय से बीसवें अध्याय तक है वो ऑलमोस्ट रघुनाथ दास गोस्वामी की स्तवावली और रघुनाथ दास गोस्वामी की एक और, और क्रिएशन है गौरांग स्तव जो आई थिंक तबाबली का ही पार्ट है गौरंग स्त कल्परू उससे उससे कृष्ण स्वामी ने इन्फॉर्मेशन लेके उसको एक्सपेंड करने की कोशिश की है और ऑफकोर्स लास्ट चैप्टर शिक्षाष्टकम सरू दामोदर का कर्चा तो कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको बताने की कोशिश की कि पूरी चैतन्य चरण आदि लीला मध्य लीला अंत्य लीला सारी हमारे गोस्वामियों के आ, के जो वर्क्स हैं या या जो भी चैतन्य महाप्रभु पे किताबें लिखी गई थी अभी तक बोना फाइट किताबें उनको वो और इनफैक्ट फिलासफ़ी भी जीवा गोस्वामी के जो संदर्भ हैं उनको सब इकट्ठा एक, एक जगह लाने की कोशिश की है चैतन्य चरित्रता में और एक जगह लाकर सिर्फ लाने की कोशिश नहीं की एक जगह उसको एक जगह लाकर उसमें से सार निकालने की कोशिश की है बताने की कोशिश की है कि पूरी पिक्चर क्या है महाप्रभु की लीलाएँ है क्या हैं एक एक किताब में कहीं मिल जाए ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा दूसरी किताबें रेफर भी करनी पड़ेगी मगर एक किताब में उन्होंने बता दिया ये पिक्चर लीला है सिद्धांत क्या है वो एक किताब में अलग अलग सोर्सेज अलग अलग किताबों को साथ में ला एक सिद्धांत क्या है क्या महाप्रभु सिखाने आए हैं क्या अंतरंग कारण है राधा कृष्णा प्रणय हलाद निशक्ति का स्म सो so, ये सा ये चैतन्य चरत मधा की यूनिकनेस है इसलिए चैतन्य चरत्यमृता हमारे गौड़िया वैष्णव समाज की मेन किताब है लॉ बुक है जिसको बिना पढ़े आप कुछ भी नहीं समझ सकते असंभव है और इसीलिए ये इस एक किताब में सारी किताबें ये समझ लीजिए तभी तो कृष्णा स्वामी कह रहे हैं चैतन्य चरित्र मृता का रहा पान चैतन्य चरित मृता जो जो बार बार पढ़ता है पान करता है जो बार बार पढ़ता है आ, उसको महाप्रभु की लीला में प्रवेश मिलता है उसको महाप्रभु के सिद्धांत समझ आते हैं so, सो एनी वे आई थिंक चैतन्य चरित्रम्रता एक्चुअली शिला प्रभुपाद भी शिला प्रभुपाद जब अमेरिका में थे तो प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आप में इतना उत्साह कैसे आया इतनी बुढ़ापे में इंडिया से अमेरिका गए हार्ट अटैक्स हुए आपको और वहाँ पे शुरू में तो कोई नहीं जुड़ रहा था फिर भी प्रभुपाद न्यूयॉर्क की गलियों में अकेले घूम रहे थे प्रभुपाद ने उत्तर दिया मुझे ये शक्ति मुझे मुझे वेटैलिटी चैतन्य चरित्रम्रता से मिल रही है ये उत्साह चैतन्य चरित्रम्रता से मिल रहा है भक्ति साधन ठाकुर ने भी कहा था मैंने बोला था कि गीता खो जाए तो खो जाए भागवतम खो जाए खो जाए तो खो जाए एक किताब को पकड़ के रख लो चैतन्य चर्चा में था सो so ये एक यूनिक प्रोजेक्ट रहा है के विराज गोस्वामी का जो मदन मोहन जी ने के विराज गोस्वामी के द्वारा कराया और आज हमारे पास ये किताब है अगर ये किताब नहीं होती तो हम बहुत कन्फ्यूज़ होने वाले थे क्योंकि रूपा गोस्वामी की किताब पढ़ो सनातन गोस्वामी की पढ़ो जीवा गोस्वामी की पढ़ो मुरारी गुप्त जी का कर कर्चा पढ़ो चैतन्य भागवत पढ़ो और फिर उसको उसका सामंजस्य करना वो तो इतना मुश्किल है तो आज कृष्णा के विराज नहीं होते तो महाप्रभु की लीलाओं क्यों कर रहे हैं क्या पर्पस है और सारी लीलाओं को इकट्ठा एक, एक बार देखना और महाप्रभु के चरित्र को समझना वो असंभव रहता इसलिए चैतन्य चरित्रम्रता की इम्पोर्टेंस है हमारे गौड़िया वैष्णव समाज में और ये चैतन्य चरित्रम्रता का बाकी सारी गौड़िया वैष्णवों की किताबों से सामंजस्य रिलेशनशिप हरे कृष्ण शिलात की जाए